फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीमाज कॉर्नर और मैं हूँ नीमा। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली फ्लिपकार्ट साड़ीज़। फ्लिपकार्ट से मैंने मंगवाई है आने वाले फेस्टिवल्स के लिए बहुत प्यारी प्यारी 5 साड़ियाँ जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है ये। और फ्लिपकार्ट वैसे ही मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन है। किसी भी ओकेजन के लिए मुझे कपड़े लेने हो, चाहे मुझे डेली वेयर के लिए लेने हो, पार्टी वेयर के लिए लेने हो, या फिर मुझे फेस्टिवल्स के कपड़े लेने हो, फ्लिपकार्ट मेरी फेवरेट जगह है। फ्लिपकार्ट से आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी शॉपिंग कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। फ्लिपकार्ट आपको देता है ट्रेंडी सिलेक्शन बेस्ट प्राइस पर। 5 लाख से भी ज़्यादा साड़ी और सूट्स आपको मिल जाते हैं 500 रुपये से भी कम में, जिनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, समटाइम्स हम कुछ खरीद लेते हैं बट पसंद नहीं आता तो टेंशन रहती है कि क्या ये एक्सचेंज होगा। तो फ्लिपकार्ट आपको देता है इजी एक्सचेंज, रिटर्न और रिफंड पॉलिसी। तो आप कभी भी फ्लिपकार्ट के साथ आउट ऑफ स्टाइल नहीं होगे, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे हैं और इजी एक्सचेंज, रिटर्न और रिफंड तो है ही। सबसे पहली साड़ी की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही प्यारे से गोल्डन कलर की मैंने मंगवाई है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। बट पहले मुझे फोटो में ये गोल्डन सा लग रहा था, बट अभी मुझे ये ना थोड़ा सा मस्टर्ड सा लग रहा है, बट बहुत प्रिटी कलर है ये। और इसमें आप देखोगे आपको यहाँ पे बॉर्डर मिल जाता है। फेस्टिवल सीजन में ना लाइट वेट साड़ी मुझे चाहिए होती है, लुक में भारी होनी चाहिए बट पहनने में बहुत हल्की होनी चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे। अगर मैं आपको इसका डिज़ाइन दिखाऊं तो आप देख सकते हो इसमें आपको जो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ बॉर्डर मिलता है, और बीच में आपको इस तरीके के बूटी वर्क मिलता है, और नीचे भी आपको इसी तरीके का बॉर्डर मिल जाता है। इसमें आपको ओवरऑल इसी तरीके की साड़ी मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपको अंदर आधे में वर्क मिलता है या आधे में नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है। इसका पल्ला बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये आप देख सकते हो इसके पल्ले को, ये आप देखिए। और जो इसका ब्लाउज़ पीस है वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मतलब ब्लाउज़ बनने के बाद ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये आप देख सकते हो इसका जो ब्लाउज़ का फैब्रिक है और कलर है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे ये साड़ी का कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा चलो इसको ट्राई करती हूँ। इसका मैं ब्लाउज़ बनवाऊँगी ताकि मैं इसे इस बारी करवा चौथ पे या फिर दिवाली के टाइम पे पहन सकूं। मैं साड़ी आपको इस तरीके से ओपन करके दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हो पूरी साड़ी पे आपको वर्क मिलता है, ये आप देखिए, और नीचे तक पूरा वर्क मिलता है। काफ़ी लाइट वेट साड़ी है ये, और बिल्कुल भी पहनने के बाद आपको भारी भरकम फील नहीं होगा। इसका पल्ला जो है वो मैं आपको एक बारी और दिखा देती हूँ। काफ़ी ब्यूटीफुल सा इसका पल्ला होने वाला है। इस तरीके की झालर आपको लगी हुई मिलती है इसमें, और ये आप देख सकते हो इसका पल्ला बहुत ब्यूटीफुल है। सेल्फ वर्क वाली साड़ी है ये, तो बिल्कुल भी भारी नहीं है और इसमें किसी भी तरीके के सितारे वगैरह नहीं है। सेकेंड साड़ी की अगर मैं बात करूँ तो ये मैंने लहरिया प्रिंट में मंगवाई है, क्योंकि हम लोग राजस्थानी हैं तो हमारे में लहरिया वर्क बहुत ज़्यादा इन रहता है, फैशन में रहता है। और ये बिल्कुल लाइट वेट है, क्योंकि ना मुझे वर्क घर का काम करने के लिए उस टाइम पे बहुत लाइट वेट साड़ी चाहिए थी, तो मैंने इसे मंगवाया। इसका कलर बहुत ही प्यारा है। मैं बोर हो गई थी रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन को पहन पहन के, तो मैंने ये मस्टर्ड और ग्रीन मंगवाया। बहुत ही प्रिटी कलर लग रहा है इसका। इसके ब्लाउज़ पीस की अगर मैं बात करूँ तो आपको इस तरीके का ब्लाउज़ पीस मिलता है इसमें, और ये ना काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक की है। ये आप देखेंगे बहुत ही सॉफ्ट है इसका फैब्रिक, जॉर्जेट फैब्रिक नहीं है ये जो चुभता है गर्मियों में, ऐसा नहीं है। बहुत ही प्यारा सा इसका फैब्रिक है और बिल्कुल भी ना क्रश नहीं हो रही है ये। तो अगर आप एवरीडे यूज़ के लिए कोई साड़ी चाहते हो जो थोड़ी सी स्टाइलिश भी लगे, तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। लहरिया साड़ी तो वैसे ही राजस्थानियों में बहुत ज़्यादा फैशन में होती है, तो मैंने इसका ये वाला कलर मंगवाया। इसमें कलर ऑप्शंस और भी थे, तो आप डेफिनेटली दूसरे कलर ऑप्शंस को भी ट्राई कर सकते हो। थर्ड साड़ी मैंने मंगवाई है पिंक कलर में। मुझे ये कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसका भी जो फैब्रिक है ना, ये बिल्कुल भी क्रश नहीं होता है। तो आप लाइट वेट साड़ी अगर चाहते हो तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो। इसके बॉर्डर की अगर मैं बात करूँ तो आपको इस तरीके का इसमें बॉर्डर मिलता है। बीच में पूरा इस तरीके का जो होता है ना टाइन डाई वाला वर्क प्रिंट, उस तरीके का मिल जाता है। और नीचे की तरफ भी आपको इस तरीके का बॉर्डर मिल जाता है, जिसमें यहाँ पे साटन की जो रिबन है वो लगी हुई है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी। इसका अगर मैं ब्लाउज़ पीस आपको दिखाऊं तो वो भी इसी तरीके का है, बट हाँ प्रिंट डिफरेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे ये साड़ी का प्रिंट है और ये ब्लाउज़ का प्रिंट है। ये आप देख सकते हो ब्लाउज़ पीस काफ़ी अच्छे खासे आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप थोड़े से हेल्दी भी हो ना तो भी आप इसे पहन सकते हो, बनवा सकते हो। बहुत ही प्यारी साड़ी है ये। ये आप देखिए काफ़ी प्यारा लाइट, अगर आप फैब्रिक चाहते हो तो आप डेफिनेटली इसे पहन सकते हो। देखिए क्या होता है ना, करवा चौथ है तो वही दिन के टाइम तो हमें हल्का फुल्का ही कुछ कपड़े चाहिए, ताकि हम घर के काम भी कर सकें, खाना भी बना सकें। तो उस टाइम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कलर थोड़ा सा मैंने डार्क मंगवाया है इसीलिए, ताकि देखने में थोड़ा सा अजीब ना लगे कि भाई बिल्कुल ही हल्के से कपड़े पहन रखें। कलर थोड़ा सा ब्राइट ले लीजिए,
फैब्रिक थोड़ा सा लाइट ले लीजिए, ये आप देख सकते हो, ये आप इसका इस तरीके से यहाँ से पल्ला आ जाएगा, बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे ये, बहुत ब्यूटीफुल साड़ी है। लाइट वेट अगर आप साड़ी चाहते हो तो डेफिनेटली आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। फोर्थ साड़ी मैंने मंगवाई है कॉटन की, ये आप देखेंगे ना, ये भी टाइन डाई के लुक में है बट ये कॉटन की है, इसमें भी काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल थे। इसका और इसका आपको एक जैसा लग सकता है थोड़ा सा प्रिंट, बट नहीं, इसमें जो है अलग प्रिंट है, इसमें अलग प्रिंट है, इसका फैब्रिक भी अलग है, थोड़ा सा जॉर्जेट मिक्स में है और ये कॉटन की साड़ी है। मैंने सोचा एक बार ही चलो कॉटन की साड़ी को ट्राई किया जाए। इसका मैं सबसे पहले आपको पल्ला दिखाना चाहती हूँ, ये आप देख सकते हो इसका पल्ला, ये आप देखिए इसका पल्ला काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। साड़ीज़ कॉटन की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, अगर आप स्कूल वगैरह में टीचर हो तो भी ये ट्राई कर सकते हो आप। इसका ब्लाउज पीस मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आप देखिए इसमें आपको छोटी छोटी सी बूटी बनी हुई मिलती है, काफ़ी प्यारी साड़ी मुझे लगी तो मैंने कहा चलो इसे ट्राई किया जाए। लाइट वेट होने वाली है ये, और ये आपको इसमें पूरा प्रिंट मिल जाता है, तो एवरी डे के लिए ये साड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाई थी ना सिल्क की, वो थोड़ा सा है भारी, बट ये वाली जो साड़ीज़ है ना, मैंने जो अभी आपको तीन साड़ीज़ दिखाई, चाहे मैं इसकी बात करूँ या लहरिया वाले की या पिंक वाले की, इन्हें आप एवरी डे में आराम से पहन सकते हो। और ये इसका पल्ला होने वाला है, अगर आप कॉटन की साड़ी पहनते हो ना डेली यूज़ में तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा, आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। लास्ट साड़ी की अगर मैं बात करूँ तो मैंने एक सिल्क की बनारसी साड़ी मंगवाई है। लास्ट ईयर मैंने दिवाली पे एक रेड और ग्रीन कलर की सिल्क की साड़ी पहनी थी जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इस बार मैंने सोचा है करवा चौथ पे मैरून कलर को पहनूंगी, तो ये मैंने मंगवाई है, काफ़ी प्यारी साड़ी है ये। इसमें आप देखोगे इस तरीके के बीच बीच में छोटे छोटे से बूटी बनी हुई है। इसका मैं अगर आपको पल्ला दिखाऊँ तो एक सेकेंड, इसमें ग्रीन कलर का पल्ला मिलता है, ये बहुत ही ट्रेडिशनल वाली जो साड़ी होती है ना, ये वो है, ये आप देख सकते हो, ये देखिए। और इसका ब्लाउज पीस भी आपको ग्रीन कलर का ही मिलता है, ये आप देख सकते हो, काफ़ी प्यारी मुझे ये साड़ी लग रही थी। देखिए रेड और ग्रीन, मैरून और ग्रीन, ये ऐसे कॉम्बिनेशन है जो हर टाइम फैशन में ही रहते हैं। तो इसका आप अगर ब्लाउज पीस देखोगे ना तो ये काफ़ी बड़ा है, ये आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ा साइज़ का आपको ब्लाउज़ पीस मिलता है। तो अगर आप थोड़े से हेल्दी भी हो तो भी आप इसे ट्राई कर सकते हो। ऊपर की तरफ आपको इस तरीके का बॉर्डर मिलता है, नीचे की तरफ आई थिंक आपको हाँ थोड़ा चौड़ा बॉर्डर मिलता है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। कलर कॉम्बिनेशन मुझे इसका बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था तो मैंने कहा चलो एक इस साड़ी को ट्राई किया जाए। अगर मैं आपको इसका पल्ला दिखाऊँ तो इसका पल्ला बहुत खूबसूरत है, ये आप देख सकते हो, इसमें लाइन्स बनी हुई हैं ग्रीन कलर में, और सेम वैसा ही जैसे ब्लाउज़ में बूटी बनी हुई है ना, सेम वैसी ही बूटी बनी हुई है। तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी। आपको इन पांचों में सबसे अच्छी कौन सी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एवरीडे के लिए तीन ऑप्शंस और पार्टी के लिए दो ऑप्शंस मैं आज लेकर आई हूँ। अगर आप और साड़ीज़ के हॉल देखना चाहते हो या फ्लिपकार्ट हॉल देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए मैं तो आपको बोलूँगी कि अगर आपने अभी तक फ्लिपकार्ट को ट्राई नहीं किया है तो एक ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फ्लिपकार्ट आपको 5 लाख से भी ज़्यादा स्टाइलिश साड़ीज़ और सूट्स मिल जाते हैं, वो भी 500 रुपये से भी कम में, तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हो। फ्लिपकार्ट पर आप पा सकते हो ट्रेंडी फैशन, वो भी बहुत ही अच्छे प्राइस पर, तो डेफिनेटली आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। पांचों के लिंक मैंने आपको दे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ट्राई करना चाहते हो तो डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। आई होप वीडियो पसंद आया आपको, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।